हेलो गुरु जी, राधे राधे जी। जी 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 गुरु जी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते उल्टा सीधा बोलते, तुम लड़ाई झगड़े करते। कहाँ हैं? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए। आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते हैं तलाक दे रहे, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र के भी। जब भी आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरु जी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो आप, ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स, क्यों लेंगे? फिर परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरह से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ लोग। टेंशन मतलब आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं? किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़ा आपस में बनती नहीं है। तो झगड़ा लड़ाई आप चुप रहा करो, वो आदमी बोल रहा है बोलने दो, आप बोल के देख लिया थोड़ा, आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के? क्या था, फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहे। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या था, बाद में ठीक हो जाएगा वो पुरुष? बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहती रहना तो कहते हो। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से का है, मतलब पुरुष से का है ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं बूढ़ा, तो मैं तो चलो जवान बन, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया, मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा तो मिल गया। अब मैं कह में रहा तो भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी, तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद काँप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। नहीं कहता, रहना रह जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे, ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या, क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा रही। ठीक है, जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब फिर सुंदर था, बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता, अब सोच रही नहीं। उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई, बताओ? आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता तो नहीं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए, सही है, सबने ही देखा था। सबने देखा था? हाँ जी। तो आपको भी पसंद आया था? हाँ जी। पसंद था, फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना। हाँ चाहिए, तो अब हमसे पूछ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लू क्या, राहू क्या ना रहो ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब कहते रहना तो ऐसी रहती रहनी, तो फिर डिवोर्स दे दे, अलग हो जा। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो, मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका टेंशन काहे बनाना, खुश रहो। कुछ धन दौलत है उसकी? मतलब अपना मकान है 50 गज का बस। हाँ, उस पर अकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे बच्चे भी हैं पुराने?
मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान देता। अच्छा चलो, अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना, तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब। तो फिर आप देख लो, खराब जगना इधर की ना उधर की, अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था, अब डिवोर्स लेके डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे जिंदगी, साल दो साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है, अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है, ये इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन था तो आप गुरु जी आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी, क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? हैं, अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करी है? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी उसी को साथ निभाना चाहिए। हाँ, ये तो आपने पहले देखा था, वही होना। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो? अब तो गुरुजी का ना मन बेचैनी होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ, भग के क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो अब फिर भगवान पे छोड़ दो। तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लूं फिर डिवोर्स? जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वो ही करो जी, जो अच्छा लगे वो करो।